हेलो स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी पॉलिनोमियल के बारे में। 3.1 के क्वेश्चंस अपन ने करवा लिए थे। अपन को निकालना था जीरोस की बात चल रही थी अपनी और कोफिशिएंट की बात चल रही थी। अपन को एक पॉलिनोमियल देगा, उस पॉलिनोमियल का अपन को जीरोस फाइंड करना है, फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन दिखाना, अपन को शो करना है। अगर वो रिलेशन ट्रू हो रहा है, सत्य हो रहा है, तो अपना रिलेशन एकदम सही है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अपन ने क्वेश्चन लिया 3x² माइनस के x माइनस के 4, एक अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा है, फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ है। अपन को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल का मतलब हो गया एफ एक्स के इक्वल में हो गया। अब सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, इसका जीरोस फाइंड करने। क्या फाइंड करने? जीरोस। जीरोस फाइंड करने, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल क्या हो गया, वैल्यू जीरो हो गई। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं एफ एक्स को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो एफ एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, तो एफ जीरो इक्वल हो गया 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। कहने का मतलब ये है, अपन जीरोस ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने पास 2 आएगी, कुछ आएगी यहाँ पे, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू अपन एक्स यहाँ पॉलिनोमियल में वापस रख के देखेंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल अगर जीरो हो रहा है तो ये अपनी जो वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू जो फैक्टर आए हैं वो एकदम सत्य है, ठीक है बेटा। और अपन क्या करेंगे, इसको जीरोस अपने पास जो एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको अपन अल्फा और बीटा मानेंगे, ठीक है बेटा। फिर आगे उसको चेक करेंगे कि ये जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन है कि नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसको, ये अपने पास एफ जीरो हो गया, तो कहने का मतलब ये हो गया x² माइनस के एक्स माइनस के 4 इक्वल जीरो। अपनी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे, अपने पास तीन तरीके हैं सोल्व करने के। फर्स्ट वाला है अपना फैक्टराइजेशन, सेकंड वाला अपना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीट मेथड, और थर्ड वाला है अपना श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, भार वाले को मल्टीप्लाई करता हूं, यही होता ना फैक्टराइजेशन, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो जो भार वाले साइड के हैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा, बीच वाले के क्या करूंगा, टुकड़े करूंगा। तो मेरे पास भार क्या है, 3 है, माइनस के 4 है, माइनस के 12 आए। अब मैं जो माइनस का 1 है उसका ऐसे फैक्टर करूं कि उनको जोड़ने जोड़ने या घटाने पर, प्लस या माइनस करने पर क्या है अपने पास 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 12 आए, ठीक है बेटा। तो एक तो हो गया अपने पास 4 और हो गया 3। अगर मैं 4 में से 3 निकालता हूं तो 1 आएगा, और 4 3 से कितने हो गए, 12 हो गए। तो मैं माइनस के 4 कर देता हूं, माइनस के 4 करता हूं और माइनस के 3 प्लस के 3 करता हूं, यानी माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस का 1 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 12 आए। तो अपने फैक्टर क्या बन गए, माइनस के 4 और प्लस के 3। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x की जगह 3x² अपन माइनस के 1 के मैंने फैक्टर किया माइनस 4 और प्लस के 1, माइनस के 4x प्लस के 3x, सॉरी माइनस के 4 इक्वल 0, ये अपने फैक्टर हो गए। अब दो दो के जोड़े बना लो अपन को, ठीक है। मैं इनके ये एक बनाता हूँ जोड़ा, एक ये दूसरा जोड़ा अपने पास ही आ गया। इन दोनों में से मैं कॉमन क्या लूंगा, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, 3 और 4 में तो कोई कॉमन नहीं आना है। बात करेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ पे है x, तो मैं यहाँ से x कॉमन लिया, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, बच गया क्या गया, 3 बच गया, और एक इनमें से एक x बाहर आ गया, तो बच क्या गया यहाँ पे, एक x बच गया, माइनस के 4 प्लस के। अपने पास जो कॉमन अपने लिया, x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 3x माइनस के 4। इन दोनों की बात करूं मैं तो यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, कॉमन नहीं ले सकता, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं प्लस का 1 कॉमन ले लूं। तो मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया, तो 3x माइनस के 4 इक्वल 0। अब देखो जो ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट में अपनी दोनों वैल्यू है, जो वैल्यूज है दोनों इक्वल आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से एक को कॉमन लूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x माइनस के 4 है, इसको कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया क्या गया, x बच गया, यहाँ पे प्लस का क्या बच गया, 1 बच गया, इक्वल में क्या है, 0। कहने का मतलब ये है कि 3x माइनस के 4 उसके इक्वल में भी 0 है, और x प्लस के 1 है इसके इक्वल में भी क्या अपने पास, 0 है। तो यहाँ पे 3x माइनस के 4 इक्वल 0 और x प्लस के 1 इक्वल 0, यानी 3x इक्वल क्या हो गया, ये माइनस के 4 इस साइड मैं भेजूंगा तो क्या हो गया, प्लस के 4 हो गया,
और x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 4/3। अपने पास x की वैल्यू कितनी आई 4/3। मैंने क्या बोला, जो x की वैल्यू आएगी पहले वाली वो तो अपनी अल्फा की वैल्यू होगी और सेकंड वाली आएगी यहाँ पे x प्लस के वन है, प्लस के वन को मैं इस साइड फेंकूंगा तो प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के वन हो गया, क्या होगा माइनस के वन। तो सेकंड वाली वैल्यू है अपनी वो x की वैल्यू माइनस के वन आई है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा की। ठीक है बेटा, तो आगे देखो अपने पास x इक्वल 4/3 प्लस में और माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया माइनस के वन, ये वैल्यू अपने पास आ गई बीटा की, ये वैल्यू आ गई अपने पास अल्फा की। तो अब अपन बात करते हैं, चेक करते हैं इनके जीरोज और कोफिशिएंट की, ठीक है ना, रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज और एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज और कोफिशिएंट है उनके बीच के रिलेशन को चेक करते हैं अपन। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है अपन को, 3x का स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये अपने पास fx पॉलिनोमियल दे रखा है। ये किस फॉर्म में होते हैं, ये इस फॉर्म में होता है ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इस फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहां से a की वैल्यू कितनी आई अपने पास प्लस के 3, b की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस x का कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस के 1 हो गया। तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आई अपने पास माइनस के 1 और c कितना है माइनस के 4, तो कांस्टेंट है वो अपने पास माइनस के 4 आ गए, ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहली बात होती है सम ऑफ जीरोस और सेकंड बात होती है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट अपन चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। जीरोस मैंने क्या माना अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस के बीटा सम कर दिया मैंने इनका, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। देखो माइनस का साइन है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 अपॉन में ए, ए कितना है अपने पास 3 माइनस के 1, माइनस माइनस क्या हुआ अपने पास यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस के 1 अपॉन 3 आया। और देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास 4/3 प्लस के बीटा कितना अपने पास माइनस के 1। चेक करो बेटा इसको, दोनों को देखो इक्वल करो, दोनों इक्वल आते हैं क्या, ये हो गया 4/3 माइनस के 1 इक्वल 1/3। एलसीएम लो इसके, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आए 4 माइनस 3 1 1/3। एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो आप, एलसीएम आए अपने पास 3, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस का साइन, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए इक्वल 1/3, 4 माइनस 3 1/3 इक्वल 1/3। देखो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है अपना, फर्स्ट वाला रिलेशन है 1/3 इक्वल 1/3 आया, वो देखो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है बेटा, सेकंड वाला अपन चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं मैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखता हूं। सेकंड अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं मैं तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल होता है प्लस का सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4/3, ये 4/3 हो गया मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस के 1 इक्वल सी अपॉन ए, सी कितना अपने पास माइनस के 4, ये माइनस के 4 हुआ अपॉन में ए, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है तो ये 3 आए। तो देखो 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 अपॉन 3 इक्वल माइनस के 4 अपॉन 3। तो देखो प्रोडक्ट वाला जो रिलेशन है वो भी अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, थैंक यू।